नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 4 से लेके 10 जुलाई तक। 4 से लेके 10 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट में हो, देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है। थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। उनको लग रहा है कि किसी और की वजह से आपने उनको इग्नोर किया या धोखा दिया। जो भी है ये अकेले है फिलहाल और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। ये अकेले रहने में ही खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे माफी मांगो, आपने उनके साथ गलत किया है, उनको धोखा दिया है किसी और की वजह से। साथ ही साथ ये बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। जो इनकी जरूरत की नहीं है वो उनसे खुद को दूर रख रहा है, अकेला है। इनको पता है कि इनके पास सब कुछ है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा ये सोच रहा है करंटली। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल से बहुत ज्यादा दुखी है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उस तरीके का प्रिटेंड कर रहा है कि वो खुश है, लेकिन असल में ये खुश नहीं है। जो भी है अकेला है, परेशान है, दिखा रहा है, दिल से दुखी है, लेकिन आपको बाहर से देख के उनको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपसे उन बातों को साझा ही नहीं करेंगे ना किसी और से। लेकिन दिल में इनका ये चल रहा है कि आप उनसे माफी मांगो, आपसे गलती हुई है, आपने उनके साथ गलत किया है, ये सब कुछ ये करंटली सोच रहा है पाइसिस। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई पाइसिस भी हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता है, कैंसर भी हो सकता है, देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम देखेंगे ये चाहते क्या है। इसमें डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, जिनका भी एनर्जी ये कार्ड ले रहा है, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है। आप लोगों की रिश्ते में या तो आपके तरफ से या तो उनके तरफ से थर्ड पार्टी है। ये हिम्मत रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, अपनी इनर पावर को इन्हेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक उनको मिले, उनका वक्त आए, समय का पहिया उनके तरफ हो जाए, लक उनका साथ दे दे। ये हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर, डर से जीत, डर के आगे जीत है जो बात है। मतलब ये पहले ये डरता था या डरती थी, क्योंकि इनको पता है इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको दोनों रिश्ता चाहिए और दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, या तो ये या तो आप।
क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया। तो जिसने भी जिसको धोखा दिया ये बात जो ऑपोजिट है उनको पता है, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। इस रिश्ते में इनका इन्वॉल्वमेंट जो है इन एंड आउट वाला है, रिश्ते में आना चाहते हैं, आते हैं, जाते हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे ये कभी भी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है या फिर आपके पास है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। इसकी वजह से ये अपने अंदर हिम्मत रख रहा है, बंदा या बंदी, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी वजह से उनको दुखी होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप जो हो इनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रिश्ते में आना एक विश है। लेकिन फिर भी बंदा क्या करे, इनको दोनों रिश्ता चाहिए, और आपके साथ जो है बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे मिलने आना, आपको अपने करीब पाना, ये उनके लिए बहुत एक प्लेजर है मैं ये कहूंगी। लेकिन कुछ भी करके ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं रिश्ते को, और ये करना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक पाना और देना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने समय का इंतजार कर रहा है कि वक्त कब इनका साथ दे दे, वक्त का साथ मिल जाए, हालात बदल जाए, और लक और वक्त के साथ मिलने के बाद इनकी जो स्थिति है वो बदल जाए। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस कोई कैंसर भी हो सकता है। देख लेते हैं इन दिनों इनका एक्शन क्या रहेगा, अगर ये कोई एक्शन लेता है तो क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद पाइसिस हो लेकिन किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ बिताया हुआ हर पल को ये याद करेंगे, ये कोशिश कर रहा है। अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत दिनों से बंदा कोशिश कर रहा है रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिश्ते में झूठ बोलना पड़ रहा है। जरूरत से बोले, बिना जरूरत के बोले, रिश्ते बैलेंस करने के लिए बोले, रिश्ते में झूठ बोलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये खुद को रोक रहा है, रखेंगे और इंतजार करेंगे कि कब आपके तरफ से कोई एक्शन आएगा। अगर बहुत देर आप करते हो तो ये खुद ही एक्शन ले लेगा, क्योंकि ये पहले इंतजार करेगा। हो सकता है इन दिनों आपके साथ बात ना करने की वजह से इनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, मेंटली स्ट्रेस्ड है ये बंदा या बंदी। आप इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, ऐसा हो सकता है पाइसिस। आपके साथ रिश्ते में रह के ये खुद को फाइनेंशियली स्टेबल मानता था, लेकिन इन दिनों परेशानी की वजह से इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये कम हो रहा है। ये खुद को हील करना चाहते हैं, पैसे आने का इंतजार करेंगे, जब पैसा मिल जाएगा, हो सकता है आप इनको हेल्प करते थे या फिर ये आपको फिनेंशियली हेल्प करता है। जो भी है बातें, पैसों की बात जरूर है रिश्ते में, और एक इंसान जरूर है। झूठ फरेब इन चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करेंगे, हो ना हो ये बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे रिश्ते को बैलेंस करना और बैलेंस करके आपके तरफ आना, क्योंकि किसी भी तरीके से ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, वजह कुछ भी हो, लेकिन आप इनके लाइफ में हो ऐसा ये हमेशा चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कोशिश तो जी तोड़ करेंगे आपके तरफ आने की। अब आगे जाने क्या हो सकता है देख लेते हैं, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे, आएंगे भी थोड़ा इंतजार के बाद, बहुत जल्दी ये नहीं आ पाएंगे लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि खुद को रोक नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक, या तो ये या तो आप, अगर एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, मैंने बार बार मैं ये बोलती हूँ, लेकिन ये आपको छोड़ने वालों में से नहीं है, भूलने वालों में से नहीं है, परेशानी जो भी है उसे खत्म भी करेंगे और आपकी तरफ आएंगे भी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या, रिकवरी ये डेफिनेटली होना था, जो सिचुएशन चल रहा है ना ये ऐसा नहीं रहेगा, जो परेशानी आप लोगों की रिश्ते में चल रहा है वो नहीं रहेगा। कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है,
परिवर्तन तो होता ही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वक्त लगता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी हर स्थिति से कामयाबी मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपकी कोशिश सही है, अगर आप खुद सच्चे हो, तो आपको वो जरूर मिलेगा जिसका आप हकदार हो। तो ये डेफिनेटली रिकवरी होगा। आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करनी पड़ेगी अपने आप को शांत रखने के लिए, और जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।